अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुलेमान अहमद और आप देख रहे हैं सॉफ्ट टेक्नोलॉजी टूल्स। तो आज मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हम इन्फिनिक्स के वीवो के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वीवो जो है उसकी न्यू सिक्योरिटी को किस तरीके से हम जो है वो डील कर सकते हैं या किस तरीके से हम उस सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो न्यू जो अपडेट थी वो बाकी टूल्स के अंदर तो आ चुकी थी, लेकिन अनलॉक टूल की अभी अपडेट जो है वो लॉन्च नहीं हुई थी। तो अपडेट जो है वो अभी हमें देखने को मिल चुकी है जो कि लॉन्च हो चुकी है। तो अभी जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ और एक और हम जो है वो दिखाएंगे आपको कि अभी मेरे हाथ में अगर आप देख सकते हैं तो इन्फिनिक्स है। तो इसी डिवाइस को हम प्री लोडर के ऊपर रख के जो है वो फॉर्मेट करेंगे, तो देखेंगे कि प्री लोडर इस पर क्या करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम कभी अपनी डिवाइस जो है अनलॉक टूल जो है उसको वर्किंग के दौरान जो है अगर प्री लोडर पर छोड़ देते हैं तो क्या दूसरी डिवाइसेस को हमें जो है वो कोई इशू तो नहीं होता, तो वो सब चीज़ें देखने के लिए हम शुरू करते हैं। तो आए सिस्टम पर चलते हैं। कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो अभी हम जो है यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं अनलॉक टूल को ओपन कर लेता हूँ और साइड पे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो नो ये ऑथ प्रीलोडर फ्री जो है यहाँ पे आ चुका है। तो ये सारी इसकी डिटेल जो है वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये बताएगा कौन कौन से मॉडल जो है वो सपोर्टेड हैं। तो उसके बाद जो है हम डायरेक्ट चलते हैं मीडियाटेक के ऊपर। मीडियाटेक के ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पे वीवो प्रीलोडर ऑथ जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये हम यहाँ पे टिक करते हैं। टिक करने के बाद अब इसमें दो तीन चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ तो और साथ साथ आपको बता भी देता हूँ। अब जैसा कि मैंने प्रीलोडर के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो है अगर तो मैं फॉर्मेट डाटा या FRP रिमूव करता हूँ तो उस पर यह क्या रिस्पॉन्स देता है, तो आए देखते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरी डिवाइस को इसने जो है वो रीड किया है। रीड करने के बाद जो है सिंपल इसकी लेटेस्ट सिक्योरिटी जो है 1/5/2023 आप देख सकते हैं उसको इसने फॉर्मेट कर दिया है। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद जो है इसका मतलब है कि ये FRP और इसको इस पर वर्क करता है फॉर्मेट यूजर डाटा। अब हम IAM रिपेयर के ऊपर क्लिक करके चेक करते हैं कि ये करेगा या नहीं। तो यहाँ से हम जो है चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपल वीवो MTK पे क्लिक करने के बाद राइट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्मेट और रेज FRP या उसके अलावा मे बी फ्लैश करता हो, उसके अलावा फिलहाल इसमें कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है कि आप इस पर IAM रिपेयर अभी कर सकें डायरेक्टली। ये सिर्फ 2 से 3 चीज़ों पर ही वर्क करेगा और उसके अलावा ये वर्किंग नहीं करता आपके किसी भी और तरीके से जो है ये वर्किंग नहीं करता। उसके बाद अभी हम सेम प्री लोडर पर रखने के बाद जो है हम अपनी दूसरी डिवाइस को फॉर्मेट करके देखते हैं कि यहाँ पे कोई इशू क्रिएट तो नहीं होता। ये हमने राइट पे क्लिक किया और ये हमने सेलेक्ट कर दिया और देखते हैं ये यहाँ पर वर्किंग जो है वो करता है या नहीं करता। तो अभी हम जो है अपने डिवाइस को कर लेते हैं पावर ऑफ। ये हमारी डिवाइस जो है वो पावर ऑफ हो चुकी है। तो यहाँ से अभी मैंने प्री लोडर के ऊपर जो है वो टिक जो है वो लगा हुआ है और यहीं पे जो है मैं इसको फॉर्मेट करके देखता हूँ कि ये फॉर्मेट होता है या नहीं। ये हमने बटन प्रेस किया और ये हमने केबल कनेक्ट कर दी। तो अभी देखते हैं क्या होता है। ये कनेक्ट हो चुका है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारी जो डिवाइस है वो ऊपर मीडियाटेक के ऊपर है लेकिन नीचे से जो है वो स्टक हो चुकी है, ये आगे वर्क नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये है कि आपने जब भी काम करना है वीवो के लिए यहाँ पे टिक लगाना है और वीवो के अलावा कोई भी दूसरी डिवाइस पे आपने वर्किंग करनी है तो भाई ये आपको यहाँ से टिक जो है वो ख़त्म करना ज़रूरी है। तो ये एक और चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो अभी हम दोबारा से इसको फॉर्मेट नॉर्मल करके देखते हैं कि ये फॉर्मेट होता है या नहीं होता। तो यहाँ से अब दोबारा हम जो है इसको कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स देता है। ऑलरेडी ये उसी के ऊपर स्टक है। तो फिलहाल जो चीज़ है बाकी तो ये वर्किंग आपने भी देखी होगी कि हमारी जो है वो होती रहती है।
तो अभी डिवाइस को मुझे दोबारा से ऑन करना पड़ेगा, फिर ऑफ करके फिर उसके बाद जो है ये वर्किंग करेगा, क्योंकि ये अभी प्री लोडर के अंदर है। तो ये ऑन हो चुका है, तो मैं इसको दोबारा से फॉर्मेट कर लूँगा नॉर्मल तरीके से। बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये प्रोसेस किया था कि आपको वीवो के ऊपर जो है वो वीवो पे टिक लगाना है, वीवो के बगैर जो है वो आप ख़त्म करके ही काम कर सकते हैं, वैसे नहीं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।